उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि उनका देश अपने परमाणु कार्यक्रम को कभी बंद नहीं करेगा क्योंकि उसे अमेरिका का प्रतिरोध करने के लिए इसकी जरूरत है। किम ने आरोप लगाया है कि अमेरिका उत्तर कोरिया की सुरक्षा को कमजोर करने और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश में है। किम ने उत्तर कोरिया की संसद में ये बातें कही। संसद में सदस्यों ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से जुड़ा प्रस्ताव भी पारित किया है। इस प्रस्ताव को किम ने परमाणु हथियारों के संबंध में देश की स्थिति को पुख्ता करने वाला कदम बताया है। उन्होंने साफ किया कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम से किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। किम ने कहा, अमेरिका का मकसद न केवल हमारी परमाणु शक्ति को हटाना है बल्कि आखिर में हमें सरेंडर करने के लिए मजबूर करना या परमाणु हथियारों को त्याग कर आत्मरक्षा के हमारे अधिकारों को कमजोर करना है ताकि वो किसी भी समय हमारी सरकार को गिरा सके। किम ने कहा कि भले ही अमेरिका उत्तर कोरिया पर 100 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दे लेकिन उत्तर कोरिया कभी भी आत्मरक्षा के अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अमेरिका और उत्तर कोरिया आमने सामने आ गए हैं। दरअसल उत्तर कोरिया की कोशिश रूस के साथ संबंधों को मजबूत करने की है। उसने यूक्रेन संकट के लिए यूक्रेन का साथ दे रहे अमेरिका को दोषी बताया है। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा है कि पश्चिम की आधिपत्य नीति के खिलाफ रूस की कार्रवाई आत्मरक्षा के लिए की गई है। इस बीच हाल ही में अमेरिकी खुफिया जानकारी के हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया था। इस दावे में कहा गया था कि रूस का रक्षा मंत्रालय यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए उत्तर कोरिया से बड़ी संख्या में रॉकेट और तोप के गोले खरीदने की तैयारी कर रहा है। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट को फेक बता चुका है।